हाँ भैया, बीज के जांच क्यों करना चाहिए? हाँ अपने जो बीज की उगने की जांच इकलिए करना चाहिए। पर हाँ मान लो सोयाबीन काटा है नी, सोयाबीन काटा और खेत में अपन ने रखी और किनी मावठो गिर गयो, मावठा से हो सकता है वो बीज खराब हो गयो। दूसरी यह है कि अपन ने जो सोयाबीन काटी वह खड़ा में लाया, खड़ा में अपन ने गरी लगाई दी या निकालने के लिए छोड़ दी, उन समय मान लो थोड़ा पानी गिर गयो, मावठा टाइप गिर गयो, तो बीज खराब हो जाएगा अपनों। और तीसरा यह है कि अपन ने जो सोयाबीन लाया और ठीक तरह से अपन ने सूखा ही नहीं और वैसे वैसे अपन ने बोरी में भर दी। अब बोरी में तो भर दी, बोरी में भरी और वैसे वैसे सोयाबीन अपन ने बोनी कर दी है नी। और चौथा है कि अपन जो बाज़ार से जो सोयाबीन लावा उनमें हाँ कहीं व्यापारी अपना फ़ायदा का लिए अपने कैसे भी सोयाबीन दे दे और अपन ने तो लेने बोई दी, तो दिक्कत यह हो कि अगर मान लो अपन ने ऐसे ही सोयाबीन लेन बोई दी और उनकी उगने की क्षमता जांच नहीं करी, तो उसका कारण सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि अपनों जो बीज है एंड टाइम पे वो बीज खराब हो जाएगा। और दूसरा यह है कि ये बीज अपन निकाला बोरी में से या फिर कहीं भी बाजार से बीज लाए, उनमें से एक तो जो बोरी है उनमें से एक तो पूरे नीचे से आना चाहिए, एक बाद जो बीज निकाले हो इस तरह से कर लेना चाहिए कि सब दाना आसानी से अच्छी तरह से मिल जाए उनका हाँ दाना गिणा का उगने का लिए है ना। हाँ लो 50 दाना डाल जो हमारा, एक दो दो चौबीस चौबीस पच्चीस छब्बीस छब्बीस गुन गुण पचास पचास ये पचास। पचास हो गया, 50 दाना है हाँ हो गया। ना। अब बाकी में डाल दो, डाला है में तगारी में। हाँ अब अपन में लाइन खींचागा है ना, ये अपन ने लाइन खींची ली, अब इसमें अपन दाना डालांगा, एक दो तीन चार 16 17 47 48 49 50। अब अपन ने दाना डाल दिया है ना, हाँ इनके अपन थोड़ा थोड़ा ऊपर मिट्टी चढ़ानी है अपनी, जैसे अपन ने जो दाना डाल दिया नहीं, हाँ अब ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्को पानी छिड़की दा अपन,